जमाने में कश्मीर नागाओं से भरी एक झील थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। यहाँ तरह तरह के कबीले रहते थे। दास्ताने हिमाल नागराज उसी जमाने की कहानी है। अपनी कहानी से लगती है। मुराद लूटन कहाँ? वो मिल जाए तो देखो अच्छा रहेगा। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उन्होंने उससे दवाई मंगवाई। मैं दवाई लेकर आया तो शानू भाभी आ गए। शानू भाभी? फिर शानू भाभी नूतन को लेकर बहुत ही परेशान है। मैं उन्हें लेकर नूतन के कमरे में गया तो वो जा चुकी थी। मुराद, मैं जब से नूतन के केस में उलझता जा रहा हूँ, मुझे उनकी बेबसी पर दया आ रही। सुनील भाई, कल अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचता तो वो खुदकुशी कर लेती। क्या कह रहे हो, ऐसी कौन सी बात हो गई थी? किसी ने उन्हें रमेश के बारे में बताया कि रमेश ने यहाँ आकर शादी करनी थी। क्या? जाहिर है सदमा गहरा पहुंचा है। फिर तो उनको बहुत बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन मुझे उनके सामान में ये फोटोग्राफ मिला है। ऐसी फोटोग्राफर का नाम और एड्रेस तो है इसमें। ओके, मैं चलता हूँ। कहाँ चलते? मैं इस फोटोग्राफर से इस लड़की के बारे में पता लगाता हूँ। तुम एक काम करो, तुम आसपास जाके नूतन को ढूंढो, जरूर किसी गेस्ट हाउस या होटल में होगी। ओके, मैं भी आता हूं। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए बैठिए। आप उससे मिलना चाहती थी? जी हाँ, मैं बम्बई से आई हूँ। मेरा नाम नूतन है। कई साल पहले मेरे पति यहाँ आए थे श्रीनगर, और यहाँ से वो लापता हो गए थे। उन्हीं को ढूंढती हुई मैं यहाँ आई हूँ। सुना है आपके इस गेस्ट हाउस में आकर ठहरा करते थे। तो गेस्ट हाउस में उनका नाम देख लीजिए। जी हाँ, देखा मैंने। आज से कुछ 7 साल पहले के रजिस्ट्री में उनका नाम लिखा हुआ है। किस रजिस्टर की बात कर रहे हैं आप? ये गेस्ट हाउस तो मैंने 2 साल पहले खोला, तो आपने 7 साल पहले का रजिस्टर कैसे देखा जब यहाँ कुछ था ही नहीं? क्या कह रहे हैं आप, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे सीमा ने दिखाया था। कौन सीमा? अहमद। अरे मुराद भाई, आइए आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? बस इन्हें देखने आया था। अच्छा, आप जानते हैं इन्हें? जी, बाबा के मेहमान हैं, वहीं जाना है, लेने आया था। अच्छा अच्छा, क्या लेंगे आप, चाय या कहवा? प्लीज आप पहले मुझे रमेश का पता बता दीजिए। अहमद साहब, ये सीमा कौन है, कहाँ से आई थी, ये गेस्ट लोगों से कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही थी? साहब, वो तो मैं 1 हफ्ते की छुट्टी चला गया था तो उसको रखा था, बाकी कोई गलती हुई उनसे? सर, इन्हें किसी ने 7 साल पहले का रजिस्टर दिखाया जिसमें इनके शौहर का नाम लिखा था। ये क्या मजाक है, 7 साल पहले आप कुछ था ही नहीं, ये तो अभी बना है। तो ये सीमा कौन है? मेरा सर चकरा रहा है। चलिए घर चलिए। नहीं,
आपने? मैंने कभी देखा? ये हमारे हाउस बोट में ठहरे थे। मुझे इसलिए याद है कि उस दिन ये कश्ती लेकर अकेले गए थे और वो उलट गई थी। और रमेश? हाँ, वो डूब गए थे बेचारे। उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया था, वो लोग आए थे और उनका सामान वगैरह सब ले गए। किश्ती अकेले चला रहे थे? चला तो अकेले ही रहे थे, न आंधी थी न तूफान था, एक अजीब सा हादसा था। लेकिन आज आप इतने सालों के बाद ये जिक्र कैसे ले बैठे? ये उनकी बीवी है, अपने शौहर की तलाश में आई है। नजीर भाई, क्या आप बता सकते हैं कि वो अकेले ही आते थे या कोई और भी उनके साथ था? नहीं, वो अकेले थे और हमेशा हाउस बोट पर ठहरते थे और हमेशा अकेले ही आते थे। उस बार भी वो अकेले ही थे। हमने उनका पता उनके टिकट से ढूंढ निकाला था। ये सब क्या हो रहा है? तो वो कौन थी जो ये कह रही थी कि मैं उनकी बीवी हूँ, उनके साथ रहती हूँ? झूठ, कभी वो अपनी बीवी को लेकर नहीं आए, हमेशा अकेले आते थे। कभी एक दिन, कभी दो दिन, हमेशा उन्हें जल्दी रहती थी। जल्दी जल्दी अपना काम करते थे और घर लौटने की हमेशा उन्हें जल्दी रहती थी। We'll be right back.
लगा जैसे हजारों नागों ने मुझे डस लिया है। मुझे मालूम था कि मैं मर रही हूँ। मन में एक ही आस थी, एक बार अपने नागराज को देख लूं, केवल एक बार, एक बार मेरे नागराज से मेरा मिलन हो जाए। पर वो नहीं आए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। जब होश आया तो देख रही हूँ यहाँ आश्रम में हूँ, एक नए प्रेम भरे संसार में। पर प्रभु, ये मेरा संसार नहीं है। मेरा संसार तो मेरे नागराज के साथ है। जाने कौन है ये नागराज, परंतु है बहुत भाग्यवान। भाग्यवान है परंतु हिमाल का दोषी। देखो बसंती, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, परंतु किसकी क्या विवशता है ये तो वही जानता है। और जहां तक मैं समझता हूं, हिमाल का नागराज पर बहुत अधिक प्रेम। मैं उसकी छवि कभी नहीं मिटा पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका प्रेम तो निस्वार्थ है, पवित्र है, आराधना समान है। वो अपना स्थान स्वयं बना लेगा। हिमाल का प्रेम भी किसी तपस्वी की आराधना से कम नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे प्रेम को स्वीकार करे। क्या सोचा तुमने रतीश के बारे में? मेरे लिए कुछ भी सोचना अपराध होगा। मैं नागराज की पत्नी हूँ और वो मेरे पति हैं। इस बात से मुझे इनकार नहीं, लेकिन तुम्हारा वो जीवन उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन सर्पों ने तुम्हें डस लिया था। तुम्हारे मृत शरीर को नागराज जी फूलों पे लिटा के चले गए थे। ये तो रतीश के आग्रह पे हम तुम्हें यहां ले आए। नागराज मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। वो अवश्य मेरे किसी उपचार के लिए गए होंगे। और आप नहीं जानते हैं प्रभु, वो नाग है, अधिक देर के लिए पृथ्वी पर नहीं रुक सकते। हो सकता है उनका समय पूरा हो गया हो और वो पाताल लोक चले गए हों। यदि इतना ही प्रेम था तो तुम्हें पाताल लोक में ले जाकर ही उपचार कर लेते। तो हम वहां से जा रहे थे तो तुम्हें यहां ले आए। यदि कुछ अनर्थ हो जाता तो
मेरे नागराज मुझसे असीम प्रेम करते हैं, मेरा ये विश्वास कोई नहीं हिला सकता। आपने मुझे नवजीवन दिया है प्रभु, मैं आपकी आभारी हूँ। मैंने नहीं, रतीश ने दिया है तुम्हें ये नवजीवन, उसी का ऋण है ये जीवन। कुछ भी हो प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि ये नवजीवन मुझे मेरे नागराज से दूर ले जाता है तो मुझे मरना ही स्वीकार होगा। मुझे ये नवजीवन नहीं चाहिए, शायद मृत्यु ही मेरा उपचार थी। यदि मैं अपने नागराज के पास नहीं जा सकती, उनके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, तो मुझे ये नवजीवन नहीं चाहिए। ये जीवन मेरे लिए व्यर्थ है, व्यर्थ है ये जीवन। से कुछ कहना चाहती हूँ, मेरा विचार छोड़ दो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। तुमने मुझे नवजीवन दिया, मैं तुम्हारी आभारी हूँ, पर अब मुझे मुक्ति दे दो। मैं अपने नागराज को ढूंढना चाहती हूँ, उन्हीं के पास मैं जाना चाहती हूँ। विमान, मैंने तो तुम्हें केवल जीवन दान की भेंट दी है, विवाह प्रस्ताव तो नहीं दिया। और जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, तुम तो मुक्ति हो। ये कोई कारागार नहीं बल्कि एक महर्षि का आश्रम है, तुम जब चाहो जा सकती हो। परंतु तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो, और ऐसे में अगर तुम्हें अभी रास्ते में कुछ हो गया तो तुम नागराज को कैसे ढूंढोगे बताओ। मेरी राय तो यह है कि तुम पहले पूर्णतः स्वस्थ हो जाओ, फिर चली जाना। और बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा नागराज को ढूंढने। सच? तुम नागराज को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हीमान, नागराज, नागराज, हीमान, हीमान, हीमान।
हीमान, पीछे छोटी रानी आ रही है, मुझे उनको वहीं रोकना होगा। अगर उन्हें इस जगह का पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। हीमान, नागराज, तुम्हें पाने के लिए मैंने दूसरा जन्म लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हीमान, तुम्हें पाने के लिए ही तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नागराज, मैं यहाँ तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम नहीं जानते, महर्षि के पुत्र जिन्होंने मुझे स्वस्थ किया है, वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। सच? तब क्या करें? यहाँ से बाहर तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हिमाल, हिमाल, तुम एक काम करो, उनके डर से बचने का केवल एक ही उपाय है, तुम विवाह के लिए हाँ कर दो। मगर कहना एक शर्त है, तुम विवाह अगली पूर्णमासी को करोगी। यदि एक माह में नागराज लौट आए तो मैं उनकी अन्यथा में विवाह कर लूंगी। और हिमाल, एक माह तो बहुत होता है, बस मैं केवल दो तीन दिन में ही छोटी रानी को धोखा देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नहीं नागराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम नहीं आए तो। हिमाल, कैसे नहीं आऊंगा, तुम ये डर अपने मन से निकाल दो और केवल उस घड़ी की कल्पना करो जब तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। मुस्कुराओ हिमाल, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। Thank you.